दोस्तों आज के स्टूडियो में आप जान सकते हैं कि आप पेटीएम की जो हिस्ट्री है उसको आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले पेटीएम की जो ऐप है इसके अंदर आपको इस प्रकार से आ जाना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे जो भी आपने पेटीएम के द्वारा लेन देन किया है उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाती है। यदि आपने सेंड किया है या फिर आपने रिसीव किया है वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब मान लीजिए कि आप किसी को अपनी जो हिस्ट्री है वो छिपाना चाहते, उसको आप दिखाना नहीं चाहते, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो चर्च का जो ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप जिस भी हिस्ट्री छिपाना चाहते हैं इसके लिए आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट नहीं करना, आप पेटीएम वॉलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री है वो छिप जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है जिससे कि आप अपनी हिस्ट्री छिपा सकते हैं, जैसे कि आप स्टेटस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप केवल पेंडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे चिप चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर टाइप के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे केवल आपको पेड पे केवल शो करना है, तो यहाँ पे पेड पे क्लिक करके यहाँ पे जो आपने पे किया उसको शो कर सकते हैं, जिसको आपने पे नहीं किया वो यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पेटीएम के अंदर जो हिस्ट्री है उसको छिपा तो सकते हैं परंतु डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो आपका एक प्रूफ होता है जिसको आपको अपने पास में रखना ही होता है, उसको आपको डिलीट नहीं करना होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पेटीएम के द्वारा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता जिससे कि आप अपनी जो हिस्ट्री है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।